हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनयूजुअल क्रॉसओवर। तो यार, एक यूट्यूब पे चैनल है इसराइल नाम का, और उनका एक अलग से स्टडी प्लेटफॉर्म भी है। तो वो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं। तो उन्हीं की एक कॉल रिकॉर्डिंग मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजी है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो काफ़ी मतलब फिजिक्स वाला की इंसल्ट करी है, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सियल है। बट इसराइल वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो। आप भी देखिए रिकॉर्डिंग को और जज कीजिएगा, देखते हैं। सब्सक्रिप्शन ले रखा है फिजिक्स वाला का, लेकिन वो वहां से बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आ रहा। स्पेशली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डाउट सॉल्विंग में आती है, सबसे ज्यादा। एक तो सर जो है वो पुराना बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, है ना। अब तो पाटे सर ने पढ़ाना भी बंद कर दिया है, अब वो फैकल्टी लेकर आ गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को केमिस्ट्री में आ रही है, उनके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं। पांडे सर हफ्ते में एक बार आते हैं 2 घंटे के लिए, जिसमें आपको सिर्फ 20 मिनट मिलते हैं उनसे बात, 20 सेकंड मिलते हैं उनसे बात करने के। आप 20 सेकंड में आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे या बात करके क्वेश्चन पूछोगे, बताओ आप, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे बच्चों ने बताई है। तो बेटा अभी अभी कौन सी क्लास में हो आप, 11th में हो? यस ओके। तो अभी जैसे फिजिक्स वाला को आपने रेकमेंड, किसी ने आपको रेकमेंड किया था या आप अपनी मर्जी से ही ज्वाइन हुए हो? अपनी मर्जी से। अच्छा। तो बेटा आपको जैसे वीडियोस देखे हुए हैं आपने, तो आपको एक बार तो थिंकिंग करनी चाहिए कि यार नहीं, फिजिक्स वाला में अच्छा नहीं पढ़ाते। स्टार्टिंग में पता नहीं चला होगा आपको, है ना। ओके ओके ठीक है बेटा। तो अभी जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपको अभी वीडियो दिख रहे हैं? यस बेटा थोड़े समय बाद आपको ई सरल पे वीडियो दिखना बंद हो जाएंगे। वो इसीलिए बंद होंगे बेटा क्योंकि अपन जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं ना, वो एक ट्रायल है। उसमें आपको बताया जा रहा है कि बेटा किस तरीके के वीडियो होते हैं। जैसे अभी अपन कपड़े की शॉप पे जाते हैं, है ना, अपन को कोई कपड़ा पसंद आया, ब्लू कलर की शर्ट पसंद आई आपको, आपने उसे पहन के देखा, ट्राई करके देखा, आपको अच्छी लगी, आपने खरीद ली, है ना। तो आपने ट्राई करके देखा तो दुकानदार ने उस टाइम आपसे पैसे नहीं लिए क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो। लेकिन जब आपको उस शर्ट को अपने साथ लेके जाना है तो आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना बेटा। सेम एज अभी आपके ट्रायल वीडियो चल रहे हैं तो अभी आपका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा। लेकिन अब जब आप बाद में चाहते हो कि साल भर मुझे दिखे, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये आपका ट्रायल वीडियो है। फिर आप जब पेमेंट कर दोगे ना, तो आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेंगे, ठीक है। आपको 4 लेयर ऑफ डाउट सॉल्विंग मिलेगी, 3 लेयर ऑफ मेंटोरशिप मिलेगी। इसके अलावा आपको DPP एक्सरसाइज शीट, मॉड्यूल्स, MCQs, 40,000 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, सब कुछ मिलेगा बेटा, सब कुछ। प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, सब कुछ, जो आपको फिजिक्स वाला के पास तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। अगर वो आपसे 4,000 रुपए ले रहे हैं ना, तो 4,000 रुपए में वो वही चीजें प्रोवाइड करें जो 4,000 रुपए में मिलनी चाहिए। लेकिन हम आपको प्रीमियम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि अगर हमारे बताए गए तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो आपका सिलेक्शन 101% होगा, है ना बेटा। हो गया। आपके कोई फ्रेंड वगैरह है जिन्होंने अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं किया हो, ढूंढ रहे हैं अभी वो? मैं तो गांव से हूँ, यहाँ पर कोई जेई का प्रिपरेशन तो नहीं कर रहा। ओके बेटा, जैसे अभी आपके कोई फ्रेंड वगैरह होते हैं जो आपके साथ स्कूल में पढ़े हों ना, जिन्होंने मैथ, आप बिहार से बात कर रहे हो क्या बेटा? नहीं, वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल से बात कर रहे हो। ओके ओके ठीक है। कभी जैसे इन फ्यूचर आपको लगता है कि नहीं मुझे कहीं ज्वाइन करवाना चाहिए, तो आप यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हो। आप खुद भी 12th में यहाँ ज्वाइन हो सकते हो। 12th में अपना एक कोर्स चलता है, प्रहार कोर्स, है ना, तो आप उसके लिए यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। बस मेरा ये नंबर सेव कर लेना, उस टाइम पे जो भी बेनिफिट चल रहे होंगे ना, मैं आपको सारे बेनिफिट दिला दूंगी, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक मेरा माइनर सा क्वेश्चन था आपसे, आप मुझे जवाब दोगे? ओके, बोले बोलिए। देखो बेटा, अपन जैसे आप हो और आपका फ्रेंड है ना, आप दोनों के ही मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है दोनों के, लेकिन आप दोनों किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन आपके साथ दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है और आपके फ्रेंड की फिजिक्स बहुत अच्छी है। तो आप मुझे बताओ कि आप दोनों को पढ़ाने का तरीका सेम होना चाहिए क्या? नो no. थ्योरी होना चाहिए, क्योंकि मैं तो मैथ वीक बन जाएगा फिर। मतलब आप दोनों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अलग है, तो आप दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। लेकिन इस रूल को कोई इंस्टीट्यूट वाला फॉलो करता है क्या बेटा?
नो अभी आप जहाँ फिजिक्स वाला के पास पढ़ रहे हो क्या वो फॉलो कर रहे हैं इस बात को? नहीं लेकिन बेटा ई सरल इस बात को फॉलो करता है। ई सरल जानता है कि हर बच्चे का पढ़ने का, समझने का और याद रखने का तरीका अलग अलग होता है ना बेटा? तो इसीलिए आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। आपके जो पर्सनल मेंटोर होते हैं ना, वो आपको एक पर्सनलाइज टाइम टेबल बना के देते हैं आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके लिए क्या सही है? अगर आपके लिए वो चीज सही नहीं है तो आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। आपको पढ़ाने का तरीका अलग होगा, आपके फ्रेंड को पढ़ाने का तरीका अलग होगा। ठीक है, जैसे आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, इट मींस आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आप वैसे भी कर लोगे, है ना? सिमिलरली आपका फ्रेंड जो है उसकी फिजिक्स अच्छी है, तो उसको मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ही उसके मार्क्स कटवाएगी, है ना? तो ये चीज आपको ई सरल में मिलती है बेटा, जो आपको फिजिक्स वाला के पास या क्या इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट के पास आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जैसे बेटा आप है ना, कभी आपको लगता है कि नहीं फिजिक्स वाला के पास मेरी सही से तैयारी नहीं हो रही है, जो कि आपको अभी भी लग रहा होगा, तो आप मुझे कॉल करके इसी नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके मेरा नाम याद रखना बेटा, मेरा नाम गीत है, तो ओके मेरा नाम गीत मैम ई सरल के नाम से सेव कर सकते, ओके है ना? ओके बेटा, ठीक, टेक केयर। ओके।